तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। मूवी बेस्ड है जेनी मैकगुइगन की एडल्ट नॉवल पे और मूवी का नाम है ब्यूटीफुल डिजास्टर। मूवी के लीड रोल में है एबी, जो अपने पास से बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रहती है, क्योंकि एबी का बाप एक नालायक निकम्मा और पेशेवर जुआड़ी रहता है, जिसने अपने लालच के लिए अपनी छोटी बेटी एबी को पोकर खेलना सिखा दिया होता है। और देखते ही देखते एबी पोकर में इतनी माहिर हो जाती है कि लोग उसे लकी 13 के नाम से जानते हैं। पर हम देखते हैं एबी अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, इसलिए एबी ये सब छोड़ के अपने कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने चली जाती है, जहां वो अपने दोस्त अमेरिका से मिलती है। और कॉलेज में पहुंचते ही एबी की दोस्त अमेरिका और अमेरिका का बॉयफ्रेंड उसे रिंग फाइट दिखाने ले जाते हैं, जहां पे पहली बार एबी की मुलाकात ट्रेविस मैडॉक्स से होती है। यहीं पे एबी को पता चलता है कि ट्रेविस मैडॉक्स एक नाइट रिंग फाइटर होता है, जिसके पूरे शरीर पर टैटू होती है और एक चार्मिंग बैड बॉय होता है। और उस रात भी ट्रेविस मैडॉक्स रिंग फाइट में जीत जाता है। ये देख के एबी उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और बाथरूम में उसे याद करके नहाती है। और अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में एबी की मुलाकात फिर ट्रेविस से होती है, और एबी ट्रेविस समझाती है कि वो उसके टाइप की लड़की नहीं है, इसलिए वो उसकी लाइन ना मारे। फिर हम देखते हैं कि एबी क्लास में ट्रेविस की फोटो देख रही होती है, जो पीछे से ट्रेविस भी देख रहा होता है। ये देख के एबी काफ़ी ब्लश करने लगती है, और हम सब जानते हैं कि रिजेक्शन इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ लव। और एबी की एटीट्यूड को देख के ट्रेविस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और अगले दिन जब एबी नहा रही होती है, तो उसके यहाँ पानी आना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो अपने दोस्त अमेरिका के यहाँ चली जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे ट्रेविस मैडॉक्स भी रहता है। वो यहाँ रहना तो नहीं चाहती, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे मजबूरी में रहना पड़ता है। फिर उसी दिन रात में हम देखते हैं कि एबी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ जाके देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ट्रेविस किसी लड़की को सीड्यूस कर रहा होता है। ये देख के एबी वहाँ से भाग जाती है। और एबी को लगने लगता है कि ट्रेविस एक ठरकी लड़का होता है, पर ट्रेविस उसे समझाता है कि ये जो भी हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ। और रात में एबी और ट्रेविस एक ही बेड शेयर कर रहे होते हैं, और अचानक एबी ट्रेविस को नेक देख लेती है। ये देख के एबी काफ़ी ब्लश करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि रात में एबी ट्रेविस के बुर्ज खलीफा को पकड़ के सोई होती है, और जब सुबह उठ के एबी को पता चलता है कि उसने ट्रेविस के बुर्ज खलीफा को पकड़ा है, ये देख के एबी ट्रेविस को काफ़ी गुस्सा खाने लगती है और एबी वहाँ से चिढ़ जाती है। और कॉलेज जाते टाइम एबी पार्कर से मिलती है, जहाँ पार्कर एबी को डिनर डेट पे इनवाइट करता है, और एबी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। डिनर के बाद पार्कर एबी को रिंग फाइट दिखाने ले जाता है, जहाँ एबी को पता चलता है कि ट्रेविस भी इस फाइट में फाइटर होगा। ये देख के एबी बहाने का वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ट्रेविस एबी को लेकर परेशान रहता है, और परेशान होने के साथ ट्रेविस एबी को ढूंढता रहता है, और अचानक ये दोनों मिलते हैं। और फिर ट्रेविस और एबी में हल्की नोकझोंक होती है, और फिर ट्रेविस एबी से एक शर्त लगाता है, और शर्त के अकॉर्डिंग अगर ट्रेविस हारा तो उसे अगले 3 महीने तक सेक्स नहीं करना होगा, और अगर एबी हारी तो उसे अगले 1 महीने तक अपना रूम ट्रेविस के साथ शेयर करना होगा। और हम देखते हैं ट्रेविस ज्यूरिंग फाइटिंग का बेताज बादशाह होता है, इस फाइट में भी जीत जाता है, और इसके साथ वो शर्त भी जीत जाता है। फाइट के बाद एबी और पार्कर साथ में जा रहे होते हैं, तब तक अचानक वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है, और ट्रेविस को देख के पार्कर डर जाता है और एबी को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है, और फिर पार्कर वहाँ से चला जाता है एबी को ट्रेविस के साथ छोड़ के। और शर्त के अकॉर्डिंग एबी ट्रेविस के साथ रहना शुरू कर देती है, और एबी ट्रेविस को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेविस के साथ कभी सेक्स नहीं करेगी। और एबी और ट्रेविस एक दूसरे के साथ एक रूम में रहना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। और 10 दिन के बाद हम देखते हैं कि ट्रेविस एबी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर ट्रेविस के पिता और ट्रेविस के भाई रहते हैं। ट्रेविस के भाई एबी को एक वार्म वेलकम देते हैं। डिनर के बाद एबी जब ट्रेविस के भाइयों से कार्ड खेल रही होती है, तभी ट्रेविस के पिता को ये रियलाइज होता है कि अभी वही लकी 13 है जो एक टाइम गेम वेगस में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। ये सुन के ट्रेविस के भाई एबी की फोटो खींचे रखते हैं, और उसके बाद ये दोनों वहाँ चले आते हैं। और अब कहीं ना कहीं एबी ट्रेविस को लाइक करने लगती है, और 27वें दिन हम देखते हैं एबी ट्रेविस से सेड्यूस होने वाली होती है, तब तक अचानक एबी वहाँ से चली जाती है। मैं तुम्हें देख लूंगी। आओ, मेरी बिल्ली को काटा तुमने। हटो। मैं अभी आया। जब एबी ट्रेविस से मिलती है, एबी और ट्रेविस में काफी नोकझोंक होती है,
और ट्रेविस एबी को बताता है कि वो उसके लिए कितना परेशान था कि वो बिना बताए कहाँ चली गई थी। फिर आखिरकार वो पॉइंट आ ही जाता है जब एबी ट्रेविस से फुल्ली सीड्यूस हो जाती है। वो रात होती है 29वें दिन की आखिरी रात जब एबी और ट्रेविस ने भारी भरकम सिलेक्शन होता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब एबी को पता चलता है कि एबी का बाप जो कि एक नालायक और पेशेवर जुआड़ी रहता है जिसने वेगस के कसिनो के काफ़ी पैसे खा बैठे हैं और कसिनो उसे जान से मारने की धमकी देता है, और ये सुन के एबी वेगस के लिए रवाना हो जाती है क्योंकि एबी बचपन से ही एक बहुत बड़ी पोकर स्टार होती है और वो अपने पिता को बचाना चाहती है। ये बात उसने ट्रेविस को नहीं बताई होती और वो वहाँ से जा चुकी होती है और ट्रेविस उसके लिए काफ़ी परेशान होता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि वो वेगस गई है और ट्रेविस उसके पीछे वेगस चला जाता है। फिर एबी अपना टैलेंट दिखाती है और $1,00,000 जीत के वहाँ से जाने लगती है। फिर जब एबी वो अपना मनी बैग लेके जाती है तब तक अचानक एबी को उसके बचपन का दोस्त जेसी मिल जाता है और जेसी एबी को बताता है कि वो अब एक लीगल ऑफिसर बन गया होता है। ये सुन के एबी बहुत ही खुश हो जाती है और अचानक जेसी एबी से उसका मनी बैग छीन लेता है। एबी उदास हो जाती है क्योंकि अचानक से वक्त जज्बात सब पलट गए होते हैं और एबी उदास होकर कसिनो के मालिक के पास आ जाती है और उसके सामने अपना दुकान रोने लगती है। और कसिनो का मालिक एबी से थोड़ा बदतमीजी करता है, तभी अचानक से वहाँ पे सुपरस्टार रॉक स्टार ट्रेविस आ जाता है जो एबी को बचाने लगता है और गुंडों को मारता है धूम करती है। और फिर जाते वक्त एबी और ट्रेविस में इतनी ही बहस होती है और एबी ट्रेविस को बोलती है कि वो सिचुएशन संभाल ली थी, तुमने आगे सिचुएशन खराब कर दी। और अचानक करते करते इन लोगों के सिलेक्शन का सिलसिला चालू हो जाता है और कभी बेसिन पे कभी वॉशरूम पे कभी कहीं कहीं उनका सिलेक्शन टूटते ही रहता है। फिर ट्रेविस को एक रिंग फाइट के बारे में पता चलता है जहाँ जीतने वाले को $1,00,000 मिलेंगे। ये सुनकर ट्रेविस वहाँ चला जाता है क्योंकि ये आखिरी मौका होता है एबी को हेल्प करने का जिसकी वजह से एबी के पिता बच सके। और फिर जब एबी सुबह उठती है तो वो ट्रेविस नहीं दिखती और उसे पता चलता है कि ट्रेविस रिंग फाइट करने चला गया होता है उसके खातिर। ये सुन के एबी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर अचानक एबी को पता चलता है कि एबी का बाप और उसके बचपन के दोस्त जैसे उसे चीट कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एबी बीकर से उठ जाए और पोकर खेल के उन्हें पैसा जीत के दे। और ये सब देख के एबी अपने बचपन के दोस्त और अपने बाप से लड़ के वहाँ से चली जाती है और एबी वहाँ से जाकर अपने आशिक ट्रेविस को बचाती है जो कि दूसरी तरफ बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एबी और ट्रेविस एक दूसरे को एक डीप और पैशनेट किस देते हैं और हम यही भी देखते हैं कि मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।